बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 29 अक्टूबर 2023 हो गया है 03:20 PM। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अल सलीम का। आपने आर्म्स गार्डन पिक्चर देखी है? आर्म्स गार्डन पिक्चर में एक व्यक्ति है जो रशियन इंजीनियर है, जो मीर स्पेस स्टेशन पे, कि जब वहाँ पे आग लग जाती है तो लास्ट में से निकालता है, तो जेट कैसे स्टार्ट करता है, तो कहता है अमेरिकन रशियन टाइनिंग और मैजिंग ताइवान। वो अल सलीम का जूदा है, ठीक है। तो अल सलीम का एक किस्सा ऐसा है कि अब अमान का काम चल रहा है, मर्सिडीज का जो है प्लांट बन रहा है, तो जमीन के नीचे ही बनते हैं जितने बड़े प्लांट बनते हैं दिल्ली के अंदर। तो अल सलीम जी भी प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, तो वो देख रहे। तो अल सलीम जी के दिमाग में एक बात आई कि लड़कों से मजे ले रहे तो लड़कों ने क्या करा, लड़कों से करा, मेरी टीम के लड़के करे, नेविगेटर को बोला जो कि नीचे टनल और बाकी पूरा काम करवाता है, उसको बोला कि भाई याद ये अल सलीम मरियम उल जमानी का मेल पिता। तो लड़के घूर के देख रहे अल सलीम को, यार मरियम उल जमानी का मेल देख रहे हैं, और नेविगेटर है, अल सलीम ने भरोसा कर लिया। अब देखना या वो सुंदर बताते मरियम उल जमानी। तो लड़कों ने क्या करा, टनलिंग का काम ले जाते ना ITO चौक के पास, क्योंकि नीचे जमीन के नीचे से RDX भी हटाया जा रहा है दिल्ली में, कनॉट प्लेस के नीचे से भी हटाया गया RDX। तो वो टनल बनाते बनाते जाते हैं, तो जो टनलिंग मशीन होती है वो एक दिन में 200 मीटर तक बनाती है, मतलब इतना तो करते हैं, बहुत मेहनत का काम होता है, मशीन होती है, वो लगी रहती है, टनलिंग करती है, और 7 फुट हाइट और लेफ्ट टू राइट मतलब 4 फुट क्लियर देती है। तो अल सलीम जी को लेके जाया गया, तो ITO का जो मेन चौक है ना, उसके कोने पे ना एक टॉयलेट बना हुआ है, तो अल सलीम जी को ले जाया गया वहाँ पे। तो अल सलीम जी जब वहाँ पे पहुँच गए, लड़के कह रहे नेविगेटर ने बोला वहाँ पे खींचा करके कि ये जगह जो है ना, आप ठीक मरियम उल जमानी के महल के नीचे हैं, और ऊपर ना पब्लिक टॉयलेट तक पूरा भरा हुआ एकदम, ठीक है। तो अल सलीम जी को वहाँ ले आकर बोलते, अल सलीम जी कहते अब फाइनल खुदाई मैं करूंगा, अब आज तुम लोग इधर लाओ, तो ये जो साबल इधर लाओ, मैं इधर से ये सीख। तो अल सलीम जी ने क्या करा, वो सार्वजनिक टॉयलेट के नीचे जो है, ठीक है, वो साबल लेके खोदना शुरू किया, आज जाओ साहब, ठीक है, और मेरी बेगम को इधर लाओ। तो अल सलीम जी की जो बेगम है कौन है वो बाद में बताएंगे आपको। और जो तो खोदना शुरू किया ना, ऊपर जो है ना पब्लिक टॉयलेट पे एक बंदा ना पेशाब कर रहा था, अल सलीम जी ने खोदना शुरू किया ना, और जितना डंप था वो सीधा अल सलीम के ऊपर। तौबा में तौबा। और नेविगेटर ये गया और वो गया, इंजीनियर थे सारे के सारे, और अल सलीम जी प्रोजेक्ट इंजीनियर। यार मारिया मोल जमाने का मैं लगता है ये बहुत पुराना माल इधर आ रहा है, उधर जो ऊपर जो बंदा पेशाब कर रहा था वो पक गया, कह रहा मैं जमीन अंदर गिर गई, वो वापस पलट के आके नीचे देख रहा अल सलीम जी को। तो अल सलीम जी, अबे ओए, अबे कभी इधर क्या करता तू। चलो किसी तरीके से खून का घूट पी के अल सलीम जी वापस आए। ये सब मेरे हाथ लग जाए नेविगेटर को लेके यहाँ। और नेविगेटर जो था वो JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड का था। तो एक दिन जो है नेविगेटर ने फ़ोन किया किसी बात के लिए, काम के लिए, अल सलीम जी जो है अपने ऑफिस में बैठे थे, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, ठीक है। तो रिसेप्शन पे जब कॉल गई, JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड वालों ने बात करी उनसे कि अल सलीम जी से बात करो, कुछ प्रोजेक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो अल सलीम जी ने फ़ोन उठा, रहा आवाज़ पहचान गया उसके नेविगेटर की। तो अल सलीम जी कहते हैं उसको इधर पूछा, तो उसने कुछ बात बोली,
बोला कुछ काम बताया तो सलीम जी बता के यार तेरे बाप को जागीर लग रहा और जब खुंदक चढ़ गया क्या बोल रही है करा भी रुक और वहाँ जाते के साथ पता है क्या रिसेप्शन में सब लोग बैठे हुए थे अंदर जहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर्स बैठते हैं वो लोग कह रहे बड़े खुंदक में गए थे ऐसा सिक्योरिटी गार्ड अल सलीम जी हाथ नहीं लगाना मैं तेको पहले बोल तुम्हारे बात सुन पहले तूने बोला क्या भाई फोन पे है तू तड़ाक नहीं करना मैं तेरे बाप की उम्र इतना इतना कहने से पहले ना चार झापड़ से अल सलीम के पड़ गए बात दरवाजा बंद कर गई पीटन क्या बोला तूने यार तेरे को फोन पे जवाब देना नहीं आता मैंने तेरे को बोला तेरे के बाप का जाके तू बोलता हाँ मेरे बाप ने नहीं है तो समझ ले मैंने तेरे को पर्सनली बोला तेरे बाप का जागीर ये उसका जागीर जो हम सबका बाप है तो बड़ी देर बाद जो है किसी तरह बीच बचाव किया गया और JSR सिक्योरिटी वाले भी खुंदक में अरे इसको समझा ला अगर दोबारा इसने फोन में बदतमीजी करी ना तो इससे भी बुरी तरह कूटेगा इसको आकर के तो मुझे कूटेगा मैं कभी तेरे इंतजार में बैठा तू नेविगेटर ना तू वही ना जो ITO वाला रास्ता बताया तू भाग के कहाँ जाएगा अब तू रुक तेरी ऐसी की तैसी और JSR सिक्योरिटीज वाला कह रहा करा एक मिनट रुक जाओ सलीम जी मेरी गलती नहीं है आपको बोला था ना मरियम उल जमानी वाला रूट नहीं मांगना तेरी हिम्मत कैसे हुई तू समझता नहीं है मरियम उल जमानी हमारा अपना आपस का बात ठीक है तो वो कह रहा उसको अल सलीम जी कंट्रोल करो अल सलीम ने चप्पल निकाली टीचर जूती पहन बाग के कहाँ जा रहा खबीज तू ज्यादा होशियार बन रहे एक वहां साफ बैठ के चिल्लाता रहते हैं तेरी ऐसी की तैसी तू बाग के कहाँ जा कर अल सलीम किसको बोलता है कुत्ते कहीं के तू जानता मेरा नाम क्या है अरे क्या नाम है मेरा नाम धर्मेंद्र है मेरा नाम धर्मेंद्र जो चार सिक्योरिटी इस वर्ल्ड में आने के बाद सब हिंदू भारत की नागरिकता मैं अल सलीम नहीं हूँ मेरा नाम धर्मेंद्र और मेरी हेमा मालिनी भी है ये जितने आए नहीं ये जो मुसलमान दिखते मुसलमान नहीं इधर अमिताभ बच्चन भी इधर ऋषि कपूर सलमान खान उनका नहीं है यहाँ पे शाहरुख खान नहीं मिलेगा मैंने सबसे बढ़िया नाम सुना है मेरे लड़के का नाम तू जानता है तो अब जावेद नहीं है तो अब लड़के का नाम था सनी देवल रखा है मैंने अपने लड़के का नाम कभी तू हाथ कैसे लगाया मरियम उल जमानी का मेल बना के तू काल देखा चेहरा में खाल खींच लेगा बस आपको बताएगा पूरा बात आज आज सुबह की बात है अभी अभी दोनों में चल रही है अकानी जी में और क्या कहते हैं अल सलीम जी में तू मैं हो गई किस बात के लिए बात ही बात में ना चलो अब खाना खाने जाते हम लोग लंच का टाइम है मेरे मरियम नवाज शरीफ को बुला लड़के घूर कर अगर फिर दोनों बकवास करी यार तू समझता नहीं हम लोग अपना अपना रख के मरियम नवाज शरीफ को तू नहीं जानता है इसको बुला इसको पहले अक्कानी के नाम से जानते थे इसका नाम पूछो और तो जैसा नहीं लगता अक्कानी नीचे पूरे ना यहाँ पे टनलिंग काम चल रहा है क्योंकि 7-star होटल बनना है ठीक है तो पार्किंग वार्किंग सब बन रही है हाँ 7-star बनना है यहाँ पे तो अंदर जो है मर्सिडीज का प्लांट जो अभी पूरा होने वाला है ठीक है और बोइंग और पता नहीं और कुछ कंपनीज हैं उनका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन गया ठीक है उधर से अकानी जी आकर के पूछे ये क्या बोल रहे हैं क्या बोला इसने है? यार मैंने क्या बोला देख मैं सलीम तू मेरा अनारकली है खबरदार जो टीम में कोई घुसा तो बाहर निकल जाओ यहाँ से और ये जो बैठ के वीडियो बना रहा है ना इसको रूट में समझो अभी बॉस नहीं समझना इसको यहाँ बुलाओ इधर ही हो गए मैंने अपने जूदा को भेजा वो सेब बेच रहा ये नहीं उसको प्यार से बोला चाय पीनी है
मैंने 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 SOS भेजा, नेविगेटर को चेंज करो, अगली बार पता नहीं क्या दिखाएगा, ये नहीं चाहिए नेविगेटर। भाई साहब RDX RDX का नक्शा मेरे पास, समझा? तू RDX के लिए बोलता मैं तारा RDX उतारे, मेरे को सारा पता है। वो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, कनाट प्लेस के आसपास गोपालदास बिल्डिंग है, स्टेटमेंट हाउस है, बारह खंबा रोड, फिर LIC बिल्डिंग, और आपका क्या नाम है, इंडिया गेट, चिड़ियाघर, और ये आपका क्या कहते हैं, खान मार्केट, बहुत ऐसी लोकेशन है, तिलक नगर, राजा गार्डन, इनके नीचे ना बहुत ज़्यादा RDX है, उत्तम नगर वगैरह में। हाँ, आपका क्या नाम है, फेज़ 2 के नीचे, फेज़ 1 के नीचे, कहीं पे 20 किलो भी है तो उसको भी तो हटाना तो है ही है, तो ज़मीन के ऊपर से RDX नहीं हटाया जाता। हटाने का काम यही होता है कि हम जहाँ RDX का स्टॉक है वहाँ ज़मीन के नीचे ही नीचे जो है ना टनल बना के वहाँ तक पहुँचते हैं। मैं हितेश मंडल, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, पूरी टीम काम कर रही है, फिर उसको देखते हैं कि वो कितना परसेंट रेडी है। रेडी अगर बहुत ज़्यादा, मतलब 100% अगर रेडी है तो फिर बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि फिर वहाँ पे एक लिमिट के बाद मैनुअली जाना पड़ता है कि जो टनलिंग का काम होगा, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, मतलब लेबर को जो है 8 लाख रुपये 200 मीटर का दिया जाता है, मतलब उसके अंदर से 2 जने ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा जने काम नहीं करते। और किसी कंडीशन में अगर ब्लास्ट हो गया तो अंदर लेबर बहुत ज़्यादा मर सकती है, तो इसलिए जो है काम बहुत एहतियात बरतते हैं। अमान रक्कानी दोनों में ही मैं बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड टीम में काम करता हूँ, मेरा काम है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, लोकेशंस बताना कहाँ कहाँ पे बॉम्ब है, वहाँ पे डिटेक्ट करना कि फला जगह पे RDX स्टॉक है, या फला जगह पे TNT है, या फला जगह पे वेपन स्टॉक कहते हैं स्टॉक किए गए हैं ISIS के द्वारा। ये सारा काम चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। टनलिंग का काम हालांकि देखने में तो बड़ा आसान लगता है, पर नीचे ज़मीन के नीचे जाने के बाद पाइपिंग है, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट्स की पानी की पाइपलाइन है, या और कोई सर्विस लाइन है, या बिजली की तार है, उन सब से बच के काम करना, मशीन लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। हालांकि क्या कहते हैं, हमने, आप यकीन जानो, इंडियन आर्मी से हमने किसी को इन्वॉल्व किया नहीं है, क्योंकि हम लोग सीधा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने काम किया तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जो है, मतलब ढुलमुल रवैया अपनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, तो हमने फिर जो है क्या कहते हैं फोटोग्राफ सारे दे दिए कि भाई साहब ये फोटोग्राफ्स आप देख लो, आप किसी एक बंदे को बुला के देख लो, ये देखो जो आपको बताया गया था यहाँ पे RDX लगा हुआ है, और इस बंदे ने लगवाया है, और इसी ने बताया कि इस पोजीशन में, इसके पास फोटोग्राफ भी मिले हैं, उस जगह पे RDX लगाएंगे। तो एक बार ये मैं आपको बताता हूँ, काशी विश्वनाथ के पास एक लोकेशन थी, वहाँ पे RDX और TNT का बहुत भारी स्टॉक था, और उस स्टॉक के साथ साथ कुछ वेपन्स भी थे। तो मेरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो मैंने कहा कि एक लोकेशन है तो सही, मैं आपको बता तो दूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा इसके अंदर, क्यों मेरे को भैया मेरी जान का खतरा है। मैंने कहा मेरे को मेरा आई कार्ड है, मेरी वर्दी और हथियार दे दो, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे कितना RDX और क्या कहते हैं 147 है, और ज़्यादा देर हम लोग देर करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने अगर डिले करी तो हो सकता है कि क्या कहते हैं कि वो लोग कुछ और स्टेप उठाएं। भाई साहब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने सुनी नहीं हमारी, यही हाल नेशनल हाईवे नंबर 1 से RDX हटाने का मामला हुआ। जब हमारी उनसे बात हुई, वो सीधे तौर पर वो कह रहे, मुझे कह रहे कि मैं झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और बाद में जो है दबी आवाज में, ठीक है जी, आप यकीन जानो कि सीधे ही कह रहे कि 1100 करोड़ रुपये इसको मिला है बम हटाने के मामले में, और ये जो है कि कहता अकेले ही खा जाएगा सारा। ये खुद मेहरौली थाने में डिप्लॉय पुलिस ऑफिसरों की बातचीत है, जो कि मेरी खुद बैठ के उनसे बात हुई है, मैंने पूरा सब कुछ बताया, उस पर उनके उनका बयान ने ये, और अब ये कहते बाद में इन्होंने ये रिपोर्ट भेजी कि ये झूठ बोल रहा था। अगर मैं झूठ बोल रहा था तो उसी 1100 करोड़ रुपए का हिस्सा मांगने के लिए क्यों मरे जा रहे थे सबके सब, ये भी तो बोलो, आराम से अकेले अकेले ही खा रहा है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, इसलिए हम लोग इनको इन्वॉल्व करते नहीं है। आपको अगर काम करना है आप इंडियन आर्मी में जाओ, वहाँ से अगर परमिशन लेटर साइन हो जाएगा तभी हम आपको इन्वॉल्व करते हैं, वरना नहीं करते। चाहे वो CISF हो, CRPF हो, NSG हो, BSF हो, चाहे आपका SWAT हो, मार्कोस हो, कोई भी हो। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ हमारे ऑफिसेज वगैरह है ना, वहाँ पे बहाने से आके हमें तंग करते हैं। भारत सरकार में या भारत का कोई भी नागरिक अगर चाहे तो अमान और अलसली हक्कानी, ठीक है, या JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड में आके किसी भी प्रोजेक्ट को एक बार देख के जा सकता है, अपनी फ़ोटो खींच सकता है, वहाँ आपकी तसल्ली हो जाएगी।
कि हम लोग ये काम करते हैं या नहीं करते, पर इसमें जिस तरह से हमें तंग करते हैं, ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें दे फ्री में, पर फ्री में नहीं देते ना भाई, उसी पैसे से हम लोग मशीनें खरीदते हैं, उसी पैसे से हम लोग लेबर लेके आते हैं, हमारे को अलग से पैसा नहीं मिलता। ये काम मैंने इसी तरह शुरू ही किया शुरू से ही, कि मोस्ट वांटेड इंटरपोल, मोस्ट वांटेड एफबीआई, मोस्ट वांटेड पकड़ पकड़ के जो पैसा मिला, उसी पैसे से जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड बनी है। जब पहली बार दाऊद इब्राहिम का ट्रेस लिया और दाऊद इब्राहिम की थ्रेट खत्म करी, तो उससे जो मुझे पैसा मिला, और अबू बकर अल बगदादी को मारने के बाद जो पैसा मिला, उस पैसे से जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड बनी है भाई साहब। अब मेरे को इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से, मेंशन की तरफ से 1 करोड़ रुपया 1 किलो आरडीएक्स हटाने का मिलता है। अगर मैंने 42 करोड़ टन आरडीएक्स हटाया है, तो वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं कि पैसा आपका हुआ। पर जिन एरियाज में बिल्डिंगें और बाकी सारी चीज़ें आरडीएक्स से बनी हुई है, उनको सीधे तोड़ने का आदेश होते हैं। 7x1 मतलब 7 बोरे रेता और 1 बोरा सीमेंट से बुर्ज खलीफा बनाए, ये रेशियो है सीमेंट की बुर्ज खलीफे की, दुबई टावर की, 11x1 ये रेशियो है, और उसमें आरडीएक्स मिक्स है। बड़े बड़े शहर आसानी से बनाते हैं, और ब्लास्ट की कंडीशन में एक बंदा जिंदा नहीं बचता, ये रियलिटी है, मानो या ना मानो। आज एक एजेंसी ऐसी पकड़ी जिनका नाम मैंने बताया, पिंगला। पिंगला वॉज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अमान सेल एंड हिजबुल्ला बैटरी। अमान कंपनी को बंद कराने के लिए अमान सेल तैयार करी थी पिंगला ने, आईएसआईएस ने। और अमान सेल जो है विश्व की सबसे बड़ी एक ऐसी लोकेशन है जहां पे 32 किलोमीटर लेफ्ट टू राइट और 36 किलोमीटर डीप तक आरडीएक्स भरने का काम चल रहा था। ये काम पिंगला और सऊदी अरेबिया के वाबीज और ये जितने आपके क्या कहते हैं शेख होते हैं, ये करवा रहे थे। असली मॉडरेट है, हकानी मॉडरेट है, पर वो तालिबान नहीं है, हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। बेस्ट में हम लोग मसाला 3x1 लगाते हैं, 3x1 3 बोरा जो है रेते का होता है और 1 बोरा सीमेंट होता है। और जहां हमें क्या कहते हैं कि थोड़ा हल्का रखना होता है, तो 5x1 से ऊपर नहीं जाने देते हम, मतलब 5 बोरा रेता 1 बोरा सीमेंट, वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में देख करके कि हाँ भाई इस दीवार के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं आना या यहाँ इसका कोई काम नहीं है। पर जिन चीज़ों को देख भाई साहब, आपको जान के हैरानी होगी कि पूरा सऊदी अरेबिया वगैरह इसी 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 रेशो में बना हुआ है, इतना रिस्की है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यार मैं तेरे को बोलता हूँ, उधर बैठ के एकदम चुप रही, समझ मैं बना रहा, मैं देख रहा हूँ कौन को मिलता।